गांव के पास अमरावती से नागपुर जा रही एक कार ने नियंत्रण खो जाने से वह राजमार्ग संख्या 6 पर एक नदी में जा गई, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे के दरमियान घटी, जिसमें चालक और उसके यात्री की मौत हो जाने की जानकारी मिली है। तय गांव के चिस्तुर गांव के पास सुबह तड़के एक स्विफ्ट डिजायर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। मृत लोगों में अमित गोयती, शुभम गारोड़ी और आशीष माटी का समावेश है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शुभम भोयर नामक व्यक्ति बच गया। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह कुचल गई। वहीं एक शव पेड़ में फंस गया, दूसरा वाहन में फंस गया और तीसरा शव बाजू में पड़ा दिखाई दिया। पुलिस द्वारा प्राथमिक अंदेशा लगाया जा रहा है कि वाहन पर से नियंत्रण खोने के कारण यह दुर्घटना हुई है। पुलिस उपनिरीक्षक पवन भांबुरकर, जामदार राजेश शाहू, सुधीर डांगी, श्याम गहाट, राहुल अमोनी, अनिल चिलघर, देवेंद्र गुजर, विजय उइके, रमेश परबत ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान जयगांव के युवक कादर खान, इन्होंने और बाकी युवकों ने पुलिस की काफी मदद की। BCN न्यूज के लिए अमरावती से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।